इससे पहले जो वीडियो आया हुआ है हमारे चैनल पे, अगर कोई देखे नहीं है तो प्लीज हमारे डिस्क्रिप्शन में जो है उसका लिंक दिया गया है, उसका जो पूरा वीडियो है वो टेरेंटुला के ऊपर है और उसमें आप काफी सारे टेरेंटुला के स्पीशीज देख सकते हैं और उसमें काफी सारे आपको टेरेंटुला के प्राइस वगैरह और ब्रीडिंग के बारे में जो है वो पूरा डिटेल दिया गया है। आप पहले तो वो वीडियो जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में जो है आपको टेम बर्ड्स मिलने वाले हैं और हैंड फीडिंग चिक्स मिलने वाले हैं। तो अभी मेरे पास जो अवेलेबल है वो ग्रे पैरेट है और कॉकटू है। तो ये पूरे वीडियो को कंप्लीट देखिए ताकि आपको कुछ नॉलेज मिल सके और इसके प्राइसिंग के बारे में आप और इसको कैसे रखना है। तो हमारे पूरे वीडियो में बने रहिए। तो ये रह गया आपका ग्रे पैरेट, अफ्रीकन ग्रे पैरेट, जो हमारे इंडिया में काफ़ी लोग इसको पसंद करते हैं बिकॉज ऑफ टॉकिंग पैरेट है। और हमारे इंडिया में जब से हमारा इंडियन ग्रीन पैरेट बैंड हुआ है तब से इसकी काफ़ी अच्छी सेलिंग है बिकॉज, और इसको काफ़ी लोग ब्रीड भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसको लोग पसंद कर रहे हैं, इसको काफ़ी लोग ब्रीड भी कर रहे हैं। इसकी जनरेशन जो है काफ़ी अच्छा इसकी ब्रीडिंग हो रही है इधर इंडिया में। तो हमारे पास ऐसे हैंड फीडिंग चिक्स आते रहते हैं और अफ्रीकन ग्रे आप देख सकते हैं, अफ्रीकन ग्रे में दो ग्रे आते हैं, जो एक का नाम आता है टिमनी ग्रे, जैसे उसको ब्लैक टेल आती है, और अफ्रीकन ग्रे आप देख सकते हैं रेड टेल आती है। तो पूरी इसकी बॉडी जो है ग्रीन कलर, सॉरी ग्रे कलर में आती है और इसकी जो टेल आती है वो है रेड कलर में, फुल्ली रेड, ब्लड रेड कलर में आती है। तो अफ्रीकन ग्रे में काफी सारे जो है, और इसको मिनिमम केज जो है 3 फीट का केज दीजिए बिकॉज ये काफी प्लेफुल रहता है और इसको आप छोटे छोटे टॉयस वगैरह दे सकते हैं खेलने के लिए। और ये काफी इंटेलिजेंट है, टॉकिंग में नंबर वन बर्ड है अभी फिलहाल हमारे इंडिया में, टॉकिंग में नंबर वन बर्ड है। और ग्रे पैरेट का जो प्राइस रहता है हमारे पास जो है 60,000 से जो है स्टार्ट है और आपको मिल जाएगा 55,000 रुपीज में भी मिल जाएगा, लेकिन काफी छोटा रहेगा। और ग्रे पैरेट में काफी सारे मेरे पास जो है बच्चे अभी अवेलेबल है, आप इधर देख सकते हैं, इधर भी बैठा हुआ है। ग्रे पैरेट में काफी सारे बेबीज जो है हमारे पास अवेलेबल है और ये सेल्फ फीडिंग में है, बस इनको मैंने सपोर्टिंग फीडिंग पे अभी जो है रखा हुआ है। सपोर्टिंग फीडिंग किसको बोला जाता है वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अगर बर्ड सेल्फ ईटिंग खा रहा है, जैसे ये खुद ब खुद खा रहा है, तो इसको हम लोग हैंड फीडिंग फिर भी देते हैं बिकॉज इसकी हेल्थ अगर मतलब वेट, बर्ड का वेट जो है अगर काफी अच्छा रहेगा तो इससे जो है बर्ड का जो फ्यूचर है, का जो लाइफ इसकी स्पैन रहती है वो काफी अच्छी बढ़ जाती है। तो इस वजह से जो है हम लोग इसको सपोर्टिंग फीड देते हैं। और जैसे ये वाइल्ड में रहता है, जो वाइल्ड में जो जो चीज खाना पसंद करता है, अगर इसको आप ये कैप्टिविटी में भी देते रहेंगे तो काफी अच्छा है। और ये देखिए आपका कॉकटू बहुत इरिटेट कर रहा है कान के बाजू। और ग्रे पैरेट का जो आपको प्राइस वगैरह मैंने डिटेल बता दिया है, अगर किसी को लेना है तो ऑल ओवर इंडिया हमारा जो है डिलीवरी अवेलेबल है, हमें कॉन्टेक्ट कर सकता है, डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है। तो और भी ग्रे चाहिए और आपको ब्लू गोल्ड मकाओ या फिर कोई अदर बर्ड भी लेना है तो भी हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो हमारे पास फिलहाल जो आप देख रहे हैं बस इतना ही देख रहे हैं, ये मत सोचिए कि इतना ही स्टॉक है। जो भी बर्ड चाहिए, जो भी एनिमल चाहिए, वो सब हमारे पास प्रोवाइड हम लोग कर देंगे आपको। तो नेक्स्ट में आप ये देख सकते हैं फुल साइज का जो है हमारे पास अभी मलकन कॉकटू है। मलकन कॉकटू का आप कंप्लीट साइज देख सकते हैं, कितना ब्यूटीफुल है, कितना शानदार बर्ड है। और इसके आप फेदर्स देख सकते हैं, काफी ब्यूटीफुल आते हैं। और इसके आप अंदर का कलर देखिए, काफी ब्यूटीफुल आता है। जब भी ये प्लेफुल होने की कोशिश करता है, जो आदमियों के साथ खेलने की कोशिश करता है, तब ये जाके आपको पंख का कलर प्रॉपर दिखाई पड़ेगा। और इसका साइज आप देख सकते हैं कंप्लीट ऑलमोस्ट 2.5 फीट हेड टू टेल इसका जो है वो कंप्लीट साइज आता है। और ये और थोड़ा इसका बड़ा साइज हो जाएगा बिकॉज ये अभी 4 to 5 months का बेबी है। इसको हम लोग आज भी सपोर्टिंग फीड दे रहे हैं, सेल्फ फीडिंग खा रहा है। और आप इसको स्मूथ, जैसे स्मूथ फीड देंगे, पपाया हो गया, बनाना हो गया, तो ऐसे फूड भी ये खा ले रहा है। और आप कॉर्न दे रहे हैं तो कॉर्न भी खा लेगा। तो जैसे आप देख सकते हैं मलकन कॉकटू भी जो है हमारे पास अवेलेबल है, ये भी आपको ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी हो जाएगा। आप इसका आइस देख सकते हैं माशाल्लाह कितना ब्यूटीफुल है, और इसका फेस देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल है। और क्लोज रिंग बर्ड्स हैं, जो भी मैंने आपको ग्रे पैरेट कॉकटूज बर्ड्स जो भी हमारे पास आप देख रहे हैं, पूरे क्लोज रिंग बर्ड्स मिलेंगे आपको। और ऐसे काफी सारे जो है हमारे पास हैंड फीडिंग के जो
बर्ड्स आते हैं उसका आपको शॉट जो है वो इंट्रो पे दिखाई पड़ेगा, जो जो हमारे पास अवेलेबल रहते हैं, क्योंकि हम लोग काफी बर्ड्स का जो है वीडियो अपडेट नहीं करते आप लोगों को, बिकॉज कस्टमर्स का जो है रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा आता है, इस वजह से वीडियो अपडेट करने को टाइम नहीं मिलता है, और ये बस एक घंटे के लिए जो है हमारे पास टिका हुआ है, तो आपको इसका वीडियो हम लोग अपडेट कर रहे हैं। और इसमें भी आपको हैंड फीडिंग चिक या फिर टेम फुल्ली टेम बर्ड या बड़ा बर्ड चाहिए तो वो भी हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा। और ये सभी बर्ड जो है काफी एक्जॉटिक बर्ड्स में बिलोंग करते हैं, रेगुलर बर्ड जैसे नॉर्मल कॉकटू हो गया, जो अम्ब्रेला कॉकटू सॉरी सल्फर कॉकटू जिसको बोलते हैं, वो सल्फर कॉकटू नॉर्मल वेरिएंट में आ गया, ये थोड़ा हाई रेंज वेरिएंट में आता है, बिकॉज इसका जो प्राइस है वो आप सुनेंगे तो शॉक हो जाएंगे, 3,85,000 रुपीज ईच पीस है, तो आप पेयर का हिसाब लगा लीजिए ऑलमोस्ट 8 लाख रुपीज पेयर का आपको पड़ जाएगा। और अगर वाइल्ड में ले रहे हैं जैसे कि काटने वाला पेयर है या फिर अनटेम बर्ड जिसको बोला जाता है, अगर वैसा पेयर ले रहे हैं तो आपको 7 लाख रुपीज पेयर में मिल जाएगा। और काफी सारे मेरे पास जो है मकाऊ और मिंट्री मकाऊ जैसे हाइसिन मकाऊ आते हैं वो भी हमारे पास जो है अवेलेबल होते रहते हैं, तो हमें कॉन्टैक्ट करिए और हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, टेक केयर, गुड बाय।